नमस्कार, मैं आपके साथ काजल तिवारी और आप देख रहे हैं आई4यू न्यूज। मोदी सरकार के अच्छे दिनों पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस राज्य मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, क्या ये है आम लोगों के जेब में कैंची डालकर करोड़ों की कमाई करने वाली मोदी सरकार के अच्छे दिन। आइए जानते हैं महेश तापसे ने और किन बातों को लेकर मोदी सरकार के ऊपर कसा तंज। अप्रैल से जुलाई 2021 इन चार महीनों में मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए की कमाई की। हम सब को मालूम है कि पिछले 1.5 सालों में कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां गई हैं, कारखाने उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। इसके चलते तहत एक तरफ पेट्रोल और डीजल और गैस इनकी कीमत बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया और चार महीनों में 1,00,000 करोड़ की कमाई मोदी सरकार ने की। आपने देखा अगस्त महीने में 15.5 लाख लोगों का रोजगार गया, बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो 8.5% तक पहुंचा है। लेकिन बेफिक्री में काम करने वाली मोदी सरकार किसी भी प्रकार से सामान्य नागरिकों को उनका हित ना देखते हुए पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमत कम नहीं कर रही, बल्कि कीमत बढ़ाकर अपनी झोली भरने का काम मोदी सरकार कर रही है। क्या यही अच्छे दिनों के लिए हमने मोदी सरकार को चुन के दिया? ये प्रश्न आज भारत का नागरिक पूछ रहा है।